अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सादियाज वर्ल्ड। आज हम बनाने लगे हैं देगी स्टाइल कीमा, ढाबा स्टाइल ही लगा लो। ये हमारे पास है कीमा, ये देखें मैंने वॉश किया है। इसको मैं डालने लगी हूँ इसमें ऑयल में, ये देखें। तो अब हम इसको ना ऑयल में डाल के भूनेंगे, देखें। तो ये देखें अब हमने कीमा डाल दी, ये हमने लहसुन का कीमा लिया था, अब हम इसको डाल के इस तरह भूनेंगे, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। हाँ जी, तो ये दरअसल मैं बनाना नहीं था, मैंने मनाही के लिए बनाया, क्योंकि दो दिन हो गए मेरी बेटी ने खाना नहीं सही प्रॉपर नहीं खाया, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं इसको कीमा बना के देती हूँ। वरना कढ़ी इतनी बनाई पड़ी है दरअसल, वो अब मैं ही अकेली खाऊंगी, अगर मेरे हस्बैंड होते तो यहाँ वो खाते। तो अलिका भी कहा नहीं गई हुई है और मनाहिल और मैं ही हैं, और अलीजे तो ऐसी चीज़ें खाती नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर ये मनाहिल और किसान के लिए ना कीमा विद वाइट राइस बना के दिए। अब हम कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये कीमा बहुत यमी बनेगा, आप यकीन करो, ये देख ढाबा स्टाइल कीमा। सम पीपल ही ऐसे कीमा बनाते हैं, सम पीपल तो बस ऐसे ही नमक मिर्च और प्याज डाल के पकना रख देते हैं, लेकिन ये कीमा बहुत यमी बनेगा। आप लोग ये कीमा ज़रूर घर में बनाइएगा, और अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को, सबको, जो भी रिश्तेदार है सबको ज़रूर पका के ये कीमा खिलाइएगा। ये बहुत अच्छा बनने वाला है, मैंने मनाही के लिए बनाना। तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल मेरा फ़ोन वो गिर गया मुझसे, हमारे पास है सिटी, हम वहाँ गए थे, बस स्ट्रेस की वजह से मेरे हाथ से गिर गया फ़ोन, मेरा फ़ोन ब्रोक हो गया। तो मैं एप्पल वालों से बात कर रही हूँ, मेरा फ़ोन यूँ ही चेंज होगा तो उससे बनाएंगे। ये मनाहिल का फ़ोन है, अगर थोड़ा क्लैरिटी में कोई फ़र्क पड़े तो प्लीज़ माजरत के साथ, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये देखें हमारा कीमा इस कंडीशन में आ गया है कि हम उसमें अब प्याज डालेंगे, जो मैंने काट के ऑलरेडी वॉश करके काट के रखा। मैं मनाहिल को कहूँगी प्लीज़ आपको दिखा, ये देखें अब हम प्याज डालेंगे। प्लीज़ केयरफुली आपने अपने हैंड वॉश करने हैं फिर डालिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा वो पता नहीं क्या फिर दोबारा कोई वायरस आ गया, तो प्लीज़ हैंड वॉश। ये लहसुन है जो हमने डालना, और फिर हम टमाटर डालेंगे। और ये देखिए अब नोट करिएगा, ये हमने इसमें डाल दिया, ये देखिए उधर हमारे चावल पक रहे हैं, दम पे रख रहे हैं। ये कीमा है हमारा, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और फिर नमक, ये देखिए। ये होटल वालों का राज है, ये जो होटलों में काम करते हैं ना, ये इस तरह करते हैं कीमा, बाद में प्याज डालते हैं कि कीमा ज़्यादा हो जाए। तो अब हम टमाटर डालेंगे, मेरे पास आज फ्रेश नहीं है, मैं डब्बे वाले डालूंगी। अच्छा, ये देखें मेरे पास ये डब्बे के हैं, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, इतने डालूंगी। मैं कहती पूरा घर महक रहा, मेरा बेटा ना आप नीचे आएगा और पूछेगा मम आप क्या पका रहे हो, इतनी खुशबू आ रही है। तो आई थिंक अलीजे आ चुकी है, और मेरा बेटा उधर बैठा, उसका कंप्यूटर ना ख़राब हो गया थोड़ा सा, पता नहीं क्या हुआ है उसके कंप्यूटर को, वो बड़ा अपसेट है। तो कोई बात नहीं, ये दो अब हम इसको भूनते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें हमारा कीमा भून के कैसे कलरफुल निकला है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और फिर नमक मिर्च डालेंगे। और किसान को बड़ा परेशान हुआ है, उसका कंप्यूटर ख़राब हो चुका है, तो किसान से भी हम थोड़ी हेल्प करेंगे।
इसमें हमने हल्दी डाली, लवर और मिर्च डाली और हमने इसको भून लिया। तो हमने अब इसमें नमक डालना है और थोड़ा सा जीरा और गरम मसाला। ये गया जीरा और ये गया थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला। हमारा कीमा रेडी है बच्चों को खिलाने के लिए। मैं नमक डालना भूल गई थी आज नाजरी, नमक डालूंगी आज। नमक पता नहीं किधर रखा हुआ। तो ये है नमक, थोड़ा सा डालेंगे, पता नहीं डाला कि नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। चावल हमारे पास हैं, मैं तो कड़ी के साथ ही खाऊंगी, ये बच्चे खाएंगे इसके साथ। ये देखो, मैं कहती हूँ इतना अच्छा बनाना, थोड़ा स्टीम आई भी। आप होटल में जाते हो ना, वो आपको ऐसे ही खिलाते हैं, क्योंकि वो प्याज डाल के इस तरह की चीजें डाल के कीमे को ज्यादा कर देते हैं। ये देखें, वेरी क्विक रेसिपी है, जब कोई मेहमान आए तो ऐसे बनाओ। ये देखें, ये हमारी फाइनल शक्ल है कीमे की। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। प्लीज आप बाहर का मौसम दिखा दो और ओके, अल्लाह हाफिज़।